What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Army. तो कैसे हो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पैके थान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए आज का जो लेक्चर है ये काफी इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाला है। डिटेल में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा और इसी तरीके से वीडियो के एंड तक आप लोगों को सारा पेपर का ओवरव्यू भी आप लोगों को मिल जाएगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पर ये है कि अभी फिलहाल आप लोगों के सामने जो रिवीजन की वीडियो आ रही है उसमें मैं क्या कवर करा चुका हूं और आगे क्या आप लोगों का आने वाला है तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। अभी आप लोगों के सामने यहां पर ये 2020 की बात कर रहा हूं, पहले 2020 का मई महीने का कवर हो चुका है, अगस्त का कवर हो चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और इसी के साथ में अगर 2021 के बारे में बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो इस तरीके से पूरा एक साल का करंट अफेयर मैं कवर करा चुका हूं, यानी कि 12 महीने आप लोग कवर हो चुके हैं। अभी आप लोगों का ये जून और जुलाई 2020 का जो है ये करंट अफेयर की वीडियो आप लोग की आएगी और बाकी जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो है वो आप लोगों की कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा महीने के एंड में आप लोगों की वीडियो आ जाया करेगी जिसमें एक महीने का करंट अफेयर का पूरा रिविजन आप लोगों का रहता है। तो इस तरीके से ये पैटर्न आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। इनकी पीडीएफ सारी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं, वहां से जाकर आप लोग उनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कब को कब तक करंट अफेयर आप लोग कवर करना चाहिए। तो यूपीएससी का पेपर आप लोगों को अक्टूबर में है, ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम 15 सितंबर तक का तो आप लोग करंट अफेयर कवर करके जाना ही जाना है। यूपीएससी के लिए आप लोगों को जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा कम से कम अगर ना हो तो मई से लेके ये सितंबर तक करंट अफेयर कम से कम आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएगा यहां पर, तो देखिए ये हो गए 9 महीने, तो ये हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो इस तरीके 16 महीने का मिनिमम करंट अफेयर आप लोगों को कवर करना है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा और टाइम आप लोगों के पास में तो एक हल्की सी वो नहीं कहते कि सरसरी सी नजर इसके ऊपर भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है, वरना ये तो आप लोग कम से कम कवर करके जाना ही जाना है। अब रही ईपीएफओ वालों की बात, ईपीएफओ वाले जो बच्चे पूछ रहे हैं, देखिए कोशिश ये करनी है कि कम से कम आप लोगों को भी हाँ इतना करंट अफेयर कवर जरूर करना है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर उस टाइम पर हो सकता है कि मई के पहले बन गया होगा, ठीक है। तो अगर मई के पहले पेपर बन गया होगा जब लास्ट टाइम ये पोस्टपोन हुआ, चांस है उसके क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ था पेपर में जब ये पोस्टपोन किया गया, तो आप लोग कोशिश करनी है कि 4 महीने तो ये पूरे कम से कम होने चाहिए और बाकी का इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये वाला टाइम, ठीक है। तो ये वाला टाइम आप लोग कोशिश करना है कि इनके ऊपर भी नजर डाल लेना, बाकी ये मैं आप लोगों को कवर करा ही दिए हैं सारे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसी हो सकता है ये वीक या फिर अगले वीक में आप लोगों की मैराथन वीडियो भी आए, जो कि कोशिश करूंगा कि 3 महीने का करंट अफेयर उसमें कवर करा दूं जैसे लास्ट टाइम आप लोगों की जनवरी, फरवरी, मार्च की आई थी, ठीक है। तो उसी तरीके से वीडियो आएगी जिसमें कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एक प्रैक्टिस हो जाएगी तो 6-7 घंटे की वीडियो होगी, कंटिन्यूअस आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, एक ही झटके में कई महीने का करंट अफेयर का आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देखता हूं जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, पर फिलहाल आप लोगों को इसको अच्छे से रिवाइज करके चलना है। देखिए पढ़ बहुत कुछ लिया है उस दिन से पढ़ते ही आ रहे हैं, पर लेकिन रिवीजन आप लोग अपनी लाइफ में नहीं अपना रहे, तो रिवीजन को पार्ट बनाइए तभी आप लोग लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, वरना जो पढ़ा है वो सारा धरा का धरा रह जाएगा जब तक आप लोग एक पैटर्न में बैठकर चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये प्रोसीजर आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, बात की जा रही है स्पार्टली आइलैंड के बारे में। आप लोगों को यह बताना है कि इसकी लोकेशन कहां पर है, मेडिटेरेनियन सी में, पर्शियन गल्फ में, साउथ चाइना सी में या फिर ब्लैक सी में। सही आंसर बताइए, वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा और लोकेशन भी दिखाऊंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आइए न्यूज़पेपर देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है, छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं पहले जल्दी से, इसके बाद में फिर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ये बात की जा रही है उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन गए अभी रिसेंटली, तो उत्तराखंड के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है यहां पर दामिन, ठीक है। तो यहां पर धामी साहब है, यहां पर ये पुष्कर सिंह धामी बोल सकते हैं पूरा नाम आप लोग। अभी यहां पर इसके बारे में एक पूरा एडिटोरियल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा उस एडिटोरियल को और एक आप लोगों से यहां पर एंगल भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि डिस्कस किया गया उस एडिटोरियल के अंदर भी, कि इससे आने वाले टाइम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, अभी यहां पर क्यों यहां पर ये चीफ मिनिस्टर चेंज किए जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लेकर क्या मुद्दा बन रहा है अभी आगे आने वाले टाइम में, तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां पर एक पूरा आप लोगों को जो बताऊंगा मैं कि बाई इलेक्शन हमारे देश में क्यों होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, आखिर बाई इलेक्शन होने के रीजन कौन कौन से हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तब तक, और फिर तो मैं वहां पर रिवीजन आप लोग कराऊंगा ही कराऊंगा। रफेल मुद्दे को लेकर अभी यहां पर रस्साकसी चल रही है, बोला जा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसको यह मुद्दा सौंप देना चाहिए, क्योंकि अभी यहां पर जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी यहां पर कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आए कि इस डील के अंदर कुछ घपलेबाजी हुई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फॉलो अप मैं आप लोगों को बताते ही रहूंगा, बाकी अगर एडिटोरियल भी इसके ऊपर आएंगे जल्दी ही तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी यहां पर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ड्रोन उड़ाने को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, कि ड्रोन
उड़ाना अलाउ नहीं किया जाएगा वहां पर, ठीक है। ड्रोन जिसे मैंने उन्होंने कि आप लोग बोलते हैं कि अनमैन एयर व्हीकल यूएवी भी जिसको आप लोग बोलते हैं, जिसमें कोई इंसान नहीं रहता है, उसको यहां पर अभी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने देखा जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ये दिक्कत देखने को मिली, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा मैं लिखा गया कि सर मैंने अभी लेक्चर सुनना स्टार्ट किया, आप थोड़ा सा तेज बोलते हो। देखिए यार, इसके लिए आप लोगों के पास में ऑप्शन है, अगर YouTube में आप लोग जाओगे तो मेरी जो आवाज है उसको आप लोग तेज भी कर सकते हो और उसको आप लोग कम भी कर सकते हो, ये YouTube में ऑप्शन रहता है, ठीक है। पर लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, अगर तेज लगती है तो थोड़ा कम कर लीजिए, पर लेकिन जो रेगुलर सुन रहे हैं वो उसको फास्ट करके मत सुना कीजिए, क्योंकि यार ये एक ऐसा लेक्चर होता है इसमें बहुत सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी चीजों को सुन के माइंड से निकल जाएगी। अगर आप लोगों ने 10-15 मिनट बचा भी ली तो 10-15 मिनट में ऐसा कौन सा आप लोग कारगिल का युद्ध लड़ने वाले हो वहां पर कि बंदूक की नोक लिए कोई खड़ा हुआ आप लोगों के सामने और आप लोग बिल्कुल उसको एकदम खत्म करोगे चीजों को, कि उसके बाद में बहुत सारा आप लोग कहीं ट्रेन छूटने वाली है कुछ चीजें, पढ़ाई इसमें से टाइम बचा रहे हो, वैसी दुनिया भर की चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हो, वहां से थोड़ा टाइम बचा लो यार, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर मैं आपकी वीडियो जो है वो स्पीड में करके देखता हूँ, स्पीड में करके देखते हो चलो सही है, अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर फिर भी थोड़ा सा पेशेंस नाम की भी एक चीज होनी चाहिए अगर रियलिटी में आप लोग कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं। तो कोशिश ये करो कि चीजों को समझ कर चलो अच्छे से, ना कि चीजों को खत्म करना है। ये ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर आएगा मॉर्निंग में और एक बर्डन है और खत्म करना है, नहीं। अगर उस लेक्चर देख रहे हो तो बंद कर दो लेक्चर देखने, कोई फायदा नहीं होने वाला, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना इंटरनेट बर्बाद कर रहे हो, कुछ और चीजों में यूज कर लो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर, कुछ हंसी की चीजें देख लो, उससे अच्छा कम से कम थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा माइंड में, कुछ अच्छी चीजें होंगी जिंदगी में। ये फालतू की चीजों में चीजों को खत्म करने के लिए कभी भी पढ़ाई मत करो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ाई करो, तभी चीजें अच्छे से अचीव कर पाओगे, वरना बर्डन बनता रह जाएगा। पढ़ाई को बर्डन मत बनाओ, पढ़ाई एक ऐसी चीज है वो जिंदगी में पार्ट होना चाहिए आपकी जिंदगी का हमेशा, या कुछ ना कुछ सीखना है, मरते दम तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए इंसान को अगर रियलिटी में एक प्रोग्रेसिव पाथ पर जाना चाहते हो, वरना तो फिर तुम्हारी जिंदगी अपने हिसाब से सोच ही सकते हो, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। अभी यहां पर बात करें, ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है बेरोजगारी के चलते, ये 67 ईयर ओल्ड जो वुमेन है उसको यहां पर अभी लूट लिया गया, यहां पर अभी देखने को मिला एक चोरी चकारी के चक्कर में, तो एक तो ऐसा केस है यहां पर, तो सोसाइटी में एथिक्स कहां पर पहुंच गई है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। दूसरी साइड में एक ऐसा भी केस है जो अप्रिशिएट करने लायक है, कांस्टेबल को 1 लाख रुपए का कैश का एक बैग मिला और उसने उसको लेबरर को रिटर्न कर दिया। अब कोई लेबरर होगा पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके पूरी मेहनत की कमाई होगी, तो ये आप लोग समझ सकते हैं दोनों ही तरीके के लोग होते हैं सोसाइटी में। अब आप लोग कौन सा पाथ फॉलो करना चाहते हैं, तो हर एक इंसान के पास ऑप्शन होता है, ठीक है। ये कांस्टेबल उसको एंजॉय कर सकता था कि 1 लाख रुपए मिल गए। एक कांस्टेबल की सैलरी जो होती है 27-28 हजार रुपए करीब शायद लगभग होती है, ठीक है। अलग अलग राज्य में अलग अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जाएंगे तो एक तरीके की देखने को मिलेगी आप लोगों पर। लेकिन फिर भी इंसान ने 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है नॉर्मली देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वहां पर इंसान कितना एथिकल है वहां पर उसका एथिक्स समझ में आता है। दुकानदार के 10 रुपए थे वो पकड़ा दिए समझ में आता है, पर लेकिन वहीं पर अगर 10 हजार रुपए मिल गए तो लेकर भागे, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। चाहे 10 रुपए हो चाहे 10 करोड़ रुपए हो, अगर अपने नहीं है तो सामने वाले को रिटर्न करने, ठीक है। तो ये वाला फंडा क्लियर होना चाहिए माइंड में, जब ये क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आप लोग अचीव कर पाओगे। अभी अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्गति देखने को मिल रही है यहां पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की भी, और इसी के साथ में वहां पर जैसे जैसे जो यूएसए है जहां जहां जिस एरिया से निकल के जा रहा है, अभी नेटो के द्वारा और यूएसए की फोर्स के द्वारा कुछ एरिया खाली किया गया, तो तुरंत वहां पर अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन देखने को मिले अफगानिस्तान वाले एरिया की, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए खाली करता जा रहा है और जहां जहां पर यहां पर तालिबान कैप्चर करता जा रहा है, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो यहां पर बोला तो यह गया था, अभी हम लोगों ने देखा था कि अफगानिस्तान के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक इंटरव्यू में यह बोला गया कि आज की डेट में अगर चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यहां पर रसिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान अगर चाहेगा तो ही यहां पर शांति हो पाएगी, क्योंकि जैसे यूएसए बाहर निकल के जाता है यहां पर काफी बुरी कंडीशन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर जल्दी आप लोगों को एडिटोरियल भी देखने को मिलेंगे, तो उसमें और डिटेल में चीजें डिस्कस कर लेंगे। यहां पर बात की जा रही है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन लोकेशन के बारे में, तो याद रखिएगा बात की जा रही है यहां पर पंचमुली लेक के बारे में। तो अगर आप लोगों से पंचमुली लेक के बारे में पूछे कहां पर है, तो यह गुजरात के अंदर है। पंचमुली लेक को यहां पर DYKE 3 के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर ये नाम की जगह ये वाला नाम दे दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना। और सरदार सरोवर डैम जो है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पास में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर जो ऊंची, तो वहां पर ये बेसिकली देखने को मिल रही है। तो ये न्यूज में आ गया क्यों, क्योंकि 194 क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ वहां से निकाले गए, तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया है। तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए, एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, लेक क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। देखिए सारी चीजें नहीं रटनी होती है, अब सारी चीजें रटने बैठ जाओगे कौन कौन सी लेक है देश के अंदर, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व, नहीं, जोन जोन से न्यूज में रहते हैं बस वो थोड़ा आप लोग तैयार कर लीजिए, और यही तरीका होता है, ठीक है।
तो इसको आप लोग थोड़ा फॉलो करके चलिए, आगे चलते हैं। और हाँ, आज एडिटोरियल में मैं आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल डिस्कस करूंगा जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, और उसका पीछे रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नॉर्मली क्यों मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर अच्छा लगता है, इसके पीछे मैं आप लोगों को छोटा सा रीजन बताऊंगा, क्योंकि एक तरीके से सब आप लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें बताएंगे, ये आप लोगों को रियलिटी बताते हैं कि रियलिटी में क्या है, ये चिकनी चुपड़ी बातों से थोड़ा हटके चलते हैं, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, यहां पर जो हमारी कंट्री में उड़े देश का आम नागरिक स्कीम आप लोगों को बताइए, उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक जो एयर जो ट्रैफिक है वो फिर से इंप्रूव हो रहा है, लोग जो हैं फिर से यहां पर बुकिंग कर रहे हैं टिकट की, और यहां पर जल्दी हो सकता है कि चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएं, तो ये अच्छी चीज है। इस तरीके से अगर लोग जो है डर नहीं रहे हैं, बाहर निकल कर आ रहे हैं, चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सही डायरेक्शन में चीजें बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अभी फिलहाल जो है कई सारे जो स्टेडियम वगैरह सब बंद पड़े थे, जिम वगैरह वो सारे आराम आराम से ओपन किए जा रहे हैं, पर लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहां पर ये चीजें ओपन की जा रही है तो सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है। अभी अक्टूबर के महीने में बोला जा रहा है कि एक थर्ड वेव भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो थर्ड वेव अगर आएगी वो तभी आएगी जब हम लोग लापरवाह होंगे, अगर हम लोग लापरवाह नहीं होंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगी, हम लोग प्रॉपर में डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, अपना जो डोज है उसको ले लेंगे, तो सारी चीजें नॉर्मल चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। बाकी यहां पर अभी केजरीवाल साहब के द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी मेडिकल फर्टर्निटी है, यानी कि जो भी डॉक्टर्स हैं, ये सारे जो भी स्टाफ है मेडिकल वाला जिन्होंने कोरोना वायरस के साथ में जी जान लगाकर लड़ाई की है, उनको सबको एक कंफर्म करना चाहिए भारत रत्न, यानी कि वो भारत के रत्न है, तो यहां पर इस तरीके से ओनर कंफर्म उनको करना चाहिए। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की राय बता दी। बाकी सुशील कुमार साहब जो है जेल में पड़े हैं, उनको टीवी चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मैच देख सकें, अभी ओलंपिक के मैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि चीजें कैसी हैं कि आज की डेट में ये अभी अपने आप को उसी ओहदे पे समझ रहे हैं कि तुम एक ओलंपियन हो, वो चल रहे हो, एक इंसान की डेथ का इल्जाम लगा है तुम्हारे ऊपर और एक तरीके से जेल में बंद हो उसके चलते, तो अब वो सारी चीजें साइड में रखो, अब जो एक नॉर्मल कैदी को यहां पर जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वही मिलना चाहिए, यहां पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, ये मेरी राय है, आप लोग की राय क्या है यहां पर वो आप लोग बताइए। बाकी अगर बात करें यहां पर 50% के करीब, ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज बोल सकते हैं, कुछ लिखने के लिए भी अगर आप लोगों को मिल जाए यहां पर तो आप लोग यहां पर उसको यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है राइट टू एजुकेशन के बारे में, राइट टू एजुकेशन के चलते हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि जो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल है लगभग 50% के करीब वो राइट टू एजुकेशन के जो मैंडेट है वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी एक ऐसी रिपोर्ट यहां पर देखने को मिली, तो ये तो नॉर्मली देखिए दिल्ली के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन राइट टू एजुकेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया था, ये जो एक्ट लाया गया था 2009 में, इसके चलते बोला गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करानी है, तो ये फंडामेंटल राइट बनाया गया था बच्चों के लिए ताकि उनको आर्टिकल 21 के तहत जो हमारे कंट्री में जाएंगे ना पार्ट थर्ड में संविधान के अंदर आप लोगों आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर जो आर्टिकल 21 आता है उसमें बोला गया कि आप लोगों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी कंट्री में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, 86वां संविधान में संशोधन किया गया था, तो ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये संविधान में संशोधन जो किया गया था ये 2002 में किया गया था, और उस संविधान के संशोधन को जो 2002 में किया गया था उसी को फॉलो करते हुए आगे फिर आप लोगों को देखने को मिला कि 2009 में ये एक्ट लाया गया ताकि चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके, तो ये एक्ट किस लिए था, ताकि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके, खासकर उन बच्चों को जिनको ढंग से एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो इसी के चलते न्यूज में आ जाते हैं कई बार, तो एक मोटा मोटा आइडिया इसके बारे में आप लोग रखेगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे यहां पर बात करें तो बात की जा रही है कि एक मैन के द्वारा अपनी जो उसकी ड्यूटर थी उसके ड्यूटर का जो लवर था उसके 4 रिलेटिव को मार डाला, यानी कि जो इंसान था वो यहां पर एक तरीके से जो उसकी जो लड़की है उससे जो प्यार करता था उसकी जो लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसके घर वालों को निपटा डाला, ऐसी ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर सोसाइटी में देखने को मिलती है, तो कई बार यहां पर छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो बहुत बड़ा एक पैमाने पर भुगतनी पड़ जाती है, तो ये सारी चीजें देखकर थोड़ा चलिए। देखिए सबसे बड़ा है कि यहां पर ये गलत चीज नहीं है कि आप लोग किसी को लाइक करते हैं, किसी के लिए आप लोगों की फीलिंग है, ये सही है, पर लेकिन ये एक एज भी होती है जिस एज में ऐसी फीलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए, एक बार आप लोग अपने करियर में एक अच्छी एजुकेशन लेकर अपने करियर को आप लोग अचीव कर लीजिए, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोगों को कुछ भी करने से रोकेगा, पर लेकिन जब तक आप ये काम नहीं करेंगे अपने करियर को अचीव नहीं करेंगे और उससे पहले आप लोग सोचेंगे कि इसको आप लोग प्यार करते हैं इस इंसान के चक्कर में पड़ जाएं, टाइम वेस्ट रहेगा, लास्ट में समझ में आएगा और फिर बोलोगे बहुत लेट हो गया यार, बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, पर लेकिन मां बाप का इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेना ये किसी भी हद तक एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से चीजों को आराम से बात कर भी सुलझाया जा सकता है। अब क्या हुआ, उनको मार के खुद जेल में पड़ रहेगा, अब लड़की क्या करती रहेगी, अब क्या कर लेगा,
तो ऐसी भी चीजें आप लोग देखने को मिल सकती है। तो वो नहीं कहते कि इस तरीके से कंडीशन होती है, इंसान गुस्से में हमेशा गलती काम करता है, तो थोड़ा सा इंसान को सुधर कर रहना चाहिए तो चीजें सुधर सकती हैं। ये काफी अच्छी एक बात बोल सकते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं खासकर ये काफी अच्छे अच्छे काम करते हैं, अप्रिशिएट करने लायक है। अगर बात की जाए तो आज के दिन में अभी यहां पर 10,000 के करीब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो कि काफी अच्छा है मानसून के टाइम पर, ठीक है। पर एक बुरी कंडीशन अभी फिलहाल चल रही है, चाइल्ड मैरिज काफी लार्ज स्केल पर उड़ीसा के अंदर देखने को मिल रही है, तो वो वाला मुद्दा थोड़ा सा टैकल करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आर्मी मेमोरियल रिसेंटली अभी कहां पर इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो हमारी कंट्री के जो आर्मी चीफ है जिनका नाम है जनरल मनोज नरवाने, वो यहां पर इटली में आर्मी मेमोरियल को अभी इनॉग्रेट करेंगे, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो ये विजिट करने वाले हैं यहां पर, तो याद रखिएगा किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाने वाला है और कहां पर, हमारी कंट्री के जो आर्मी चीफ के द्वारा, तो यूके और इटली दो जगह ये विजिट करने वाले हैं। इंडिया और यूएसए की पार्टनरशिप जो है वो एक ग्लोबल काफी सिग्निफिकेंस रखती है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर बोला गया है। तो इसके चलते देखिए आज की डेट में अगर बात करें हमारी कंट्री जो है बेसिकली किस तरीके से देख रही है यहां पर यूएसए को, और यूएसए किस तरीके से देख रहा है, तो ये आज की डेट में आप लोग समझ सकते हैं कि यूएसए जो है चाइना को टैकल करने के लिए भी इंडिया को सामने लेकर आ रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फॉलो किया था पैटर्न, वही पैटर्न कहीं ना कहीं अभी यहां पर ये जो बाइडेन फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। पर लेकिन यूएसए जो है वो किसी का भी सगा नहीं है, जब जब उसको जरूरत पड़ती है तब तब वो अपनी एक तरीके की चीजों में आकर घुस जाता है और फिर वहां से निकलकर चला जाता है। अफगानिस्तान को ही देख लीजिए आप लोग, कैसे हालत में छोड़कर निकलने के लिए तैयार है इंसान यहां से, तो वो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि किस तरीके से उस टाइम पर ये पाकिस्तान के साथ में था 1971 की वॉर में और आज हमारे साथ में खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज जो है पाकिस्तान इसके कब्जे में नहीं है काफी हद तक, ठीक है, चाइना के कब्जे में आ गया है। तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखकर चीजों को लेकर नहीं चलना चाहिए, अपनी चीजों को अपने हिसाब से लेकर चलना चाहिए। 4 जुलाई को यहां पर इनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाए, तो उसी को विश किया गया यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनको। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है, हमारी कंट्री में रेलवे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की गई थी, सीसीटीवी कैमरे जो यहां पर लगाने की काम की गई थी यहां पर, ये 4 साल पूरे हो गए पर लेकिन यहां पर ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी पिक्चर में नहीं आया। तो यहां पर ये सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाने की बात की गई थी ये याद रखिएगा, ये सीसीटीवी कैमरे यहां पर ताकि महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर यहां पर इसको आगे बढ़ाने की बात की गई थी। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा निकल कर आ रहा था वो निर्भया फंड से यहां पर लाया गया था, निर्भया फंड से जो पैसा लाया गया था, क्यों? क्योंकि जो महिलाओं की सिक्योरिटी के बारे में बात की थी। पर लेकिन अभी यहां पर ये देखने को मिल रहा है जो टेंडर यहां पर दिए जाते हैं, टेंडर एक तरीके से उस काम को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए यहां पर एक तरीके से यहां पर ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप लोग को ही काम करवाना है, आप लोग बोलेंगे कि जो सबसे कम कीमत और सबसे अच्छा प्रोडक्ट देगा उसी को यहां पर ये टेंडर मिलेगा, ठीक है। तो वो टेंडर जो होते हैं वो बिल्कुल गुप्त रखे जाते हैं, उनको खोला जाता है बाद में एक एक कर, तो जो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया मटेरियल देता है उसी के टेंडर को पास कर दिया जाता है, ठीक है, और कम टाइम में काम करें। तो उस टेंडर में कई बार घपलेबाजी देखने को मिलती है, हां भैया आप लोग ये पॉलिटिशियन बन गए अब मुझे वो टेंडर दिला देना, ठीक है, तो इस तरीके की हरकतें देखने को मिलती है। तो अभी इसी में काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है, तो ये सीवीसी अभी यहां पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के जो दायरे में ये इन्वेस्टिगेशन पहुंच गई है, तो देखते हैं आगे क्या मुद्दा निकलकर आता है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, इस चीज को आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। यहां पर अगर देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चलता रहता है, अभी 45 लोगों की जान चली गई एक प्लेन क्रैश के अंदर में फिलीपीन में, चलिए तो अपने हाथ में नहीं था, पर लेकिन यहां पर देखिए म्यांमार के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर क्या कंडीशन चल रही है, अभी कई सारे लोगों की जान जाती रहती है। चाइना जो है वो काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है और इनका खुद का अपना जो स्पेस स्टेशन जो तैयार किया गया है इसका नाम याद रखिएगा तियांगोंग, ठीक है। तो ये तियांगोंग नया स्पेस स्टेशन जो बनाया गया है ये बनाया गया है चाइना के द्वारा, तो चाइनीज एस्ट्रोनॉट जो है कंप्लीट कर ली गई है फर्स्ट स्पेस वॉक इन न्यू स्पेस स्टेशन। तो 2022 तक बोला जा रहा है कि ये कंप्लीट तैयार हो गए, एक साइड में हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है जो प्रेजेंट का वह चाइना जो है उसका पार्ट नहीं है, तो इसलिए इन्होंने खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया। रशिया भी बोला है 2025 तक अपना तैयार कर लेगा और इंडिया भी बोला है कि लगभग 4 से 5-6 साल में हम भी अपना तैयार कर लेंगे। स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया जाता है ताकि आगे चलकर स्पेस की जर्नी को आसान बनाया जा सके, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। मैंने आप लोगों को बोला था कि क्यों मुझे जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि क्यों हिंदू आर्टिकल ये एडिटोरियल बढ़िया लगता है या फिर ये पेपर बढ़िया लगता है, तो आप लोगों को जब ये आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा और ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो भी बताएंगे। एक्सपोर्ट के बारे में सब चिल्ला रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, सही है एक्सपोर्ट बढ़ गया, पर लेकिन ये तो देखो कि हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो अंग्रेजों के टाइम पर रॉ मटेरियल बेचा करते थे और फिर बने बनाए सामान खरीदा करते थे, आज भी उसी पैटर्न में चल रहे हैं। एक्सपोर्ट अगर ढंग से बढ़ाता हो वो बढ़ना चाहिए जो हम लोग अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बनाकर बेचे, रॉ मटेरियल बेचना अपनी कंट्री में से एक्सपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये तो एक तरीके से दिक्कत की कैटेगरी में आएगा। समझेंगे इसको आखिर क्या बातें, ये वाला एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे आखिर क्या रस्सा कसी चल सकती है, बाई इलेक्शन के बारे में क्या अभी बातें चल रही हैं।
आर्मी की जो तीनों फोर्स को अभी एक मिक्स कर एक नई जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। कुछ बातें हैं समझेंगे, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले उसके बारे में बात की जा रही है। बीएसपी क्या यहां पर रिवाइव कर सकती है तो देखने को मिलेगा अभी क्या क्या चीजें हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है सलवा जुडूम के बारे में। ये सलवा जुडूम क्या होता है, अभी यहां पर एक जजमेंट आया था यहां पर सुप्रीम कोर्ट का, ये लगभग 2011 में, और अब हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं 5 जुलाई को। तो 5 जुलाई 2021 में इसको पूरे 10 साल पूरे हो गए, तो उसी को यहां पर एनालिसिस किया जा रहा है कि क्या रियलिटी में हम लोग यहां पर उसको डिसीजन को इंप्लीमेंट कर पाए जो डिसीजन इतने पहले आया था, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। मंडे को एडिटोरियल को जो भी लेक्टर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे। नीचे वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये केरला के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो केरला में एक पर्टिकुलर लेक है उसके बारे में बात की जा रही है, वहां पर अभी मिनी रेल प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही है, तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है तो वो बातें यहां पर की जा रही है। तो ये बेसिकली हल्का सा नजर डालेंगे एनवायरमेंट और जो डेवलपमेंट के इशू में अगर कोई रस्साकसी आए तो उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर नॉर्मली कार्टून होता है, तो कार्टून यहां पर तो नहीं था, कार्टून था आज न्यूज़पेपर के बीच में, तो कार्टून आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। आईटी ईकॉम कंप्लायंस की बात की जा रही है आज की डेट में, और ये कछुए की चाल पर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये काफी मतलब डिफरेंट तरीका एक कार्टून बना दिया इनके द्वारा। चलिए दो भी है, ये आप लोग बताइए क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। 30 से 40 या फिर 50 शब्द आप लोग यहां पर लिख सकते हैं इस कार्टून को देखकर, क्या भावनाएं आई आप लोगों के माइंड में इसको लेकर, ठीक है। बाकी का यहां पर ये डेटा पॉइंट है वही है कि कहां कहां पर कितने डोज वगैरह दिए जा रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, कितने कितने एरिया में क्या क्या है, ठीक है। तो एक एनालिसिस किया जा रहा है, वो तो चलते ही रहेगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर, ये कल ही डिस्कस किया था यहाँ पर कि दीदी मैं तो चला, अगला नंबर आपका, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगला नंबर आपका इनके द्वारा क्यों बोला गया, तो उसको समझने के लिए आप लोगों को ये एडिटोरियल सुनना पड़ेगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बेसिकली यहाँ पर बाई इलेक्शन क्यों होते हैं, अगर उसके बारे में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले बाई इलेक्शन के बारे में, तो आप लोग क्या बताओगे कि बाई इलेक्शन क्यों होते हैं, आखिर बाई इलेक्शन होना होता है जो उसके लिए क्या क्या माहौल होता है बाई इलेक्शन अगर कंडक्ट कराने हो, यानी कि बोले कि इस राज्य में बाई इलेक्शन होने, तो बाई इलेक्शन होने तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, अगर इसके बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन कौन कौन सी है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जल्दी से एक बार सुन लीजिए, ये एडिटोरियल में नहीं है, एक्स्ट्रा ये सारी चीजें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है कि जब किसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक की डेथ अगर हो जाए तो बाय इलेक्शन होंगे, क्योंकि वो सीट खाली हो गई है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए, कोई रेजिग्नेशन कर दे, कोई लगे कि हाँ यार नहीं मुझे रिजाइन करना है यहां से, तो ये होता है। रिजाइन कैसे कर सकता है, मान लीजिए कोई स्टेट असेंबली में कोई पर्टिकुलर बंदा है, ठीक है, वो क्या किया, वो आगे चलकर यहां पर चुन गया, वो लोकसभा के लिए उसने इलेक्शन लड़े और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो स्टेट में क्या करेगा वो, अब पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो सीट खाली होगी, तो स्टेट में यहां पर बाई इलेक्शन हो जाएंगे। पर लेकिन ऐसा हुआ अगर कोई बंदा लोकसभा में बैठा हुआ है और वहां पर उसको बोला गया कि तुम स्टेट में जाओ और चीफ मिनिस्टर बन जाओ उस राज्य के, तो वो वहां पर लोकसभा की सीट छोड़कर आएगा, तो वहां पर ही बाई इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में से वाइस वर्सा कहीं पर भी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है, ऐसा पहले भी हो चुका है और कई बार आगे भी यहां पर ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पहला तो हो गया यहां पर कोई पहला तो हो गया डेथ हो जाए, दूसरा हो गया रेजिग्नेशन हो जाए, तीसरा अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज अगर लगा हुआ है किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर, ठीक है, तो वो उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा हो गया, चौथा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी को देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई कर जाता है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पर जाकर बैठ गया, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक है, उसके बाद में और भी कुछ कहीं से वो अपने ऑफिस का यूज करते हुए वो वहां से प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा माना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़कर आ रहा है, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है गुजरात से भी लड़े और उत्तर प्रदेश से भी लड़े, तो जैसे ही वो जीते तो उत्तर प्रदेश वाली बनारस की सीट रख ली और गुजरात वाली वडोदरा वाली उन्होंने छोड़ दी, ठीक है, तो वहां पर बाई इलेक्शन हो गए। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ऐसे भी बाई इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी में चले गए, ठीक है, कई सारे, तो वो भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
तो वहां पर भी आप लोगों को बाई इलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो बाई इलेक्शन जो बेसिकली है, जब सीट खाली हो जाती है तो उसके लिए बाई इलेक्शन कराए जाते हैं। तो अभी पूरा आर्टिकल जो है बाई इलेक्शन के चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर जो अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, तो यहां पर ये बन गए हैं जिनका नाम है यहां पर पुष्कर धामी। तो पुष्कर धामी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं ये भाई साहब, तो यहां पर ये क्यों बने चीफ मिनिस्टर, क्योंकि इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे यहां पर, इन साहब का टाइम पीरियड जो था वो खत्म होने वाला था और बाई इलेक्शन जो है वो राज्य में कंडक्ट नहीं कराए जा रहे थे कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए, ये बोला गया यहां पर। अभी समझते हैं इसको क्या क्या बातें की जा रही है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर है इनके चार महीने जो बचे हुए थे उसके चलते यहां पर अभी सर लग रहा था कि इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। तो छह महीने तक आप लोग एक पर्टिकुलर पोस्ट पर रह सकते हैं अगर आप लोग लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, यानी कि अगर आप लोग ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट है और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट है, तो आप लोग छह महीने तक वहां पर रह सकते हैं, इससे फालतू आप लोग वहां पर नहीं रह सकते हैं। तो छह महीने के अंदर अंदर अगर आप लोग चुनकर नहीं आए बाई इलेक्शन के थ्रू या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप लोगों को नॉमिनेट नहीं किया गया, तो फिर आप लोगों के लिए यहां पर दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो यही कंडीशन यहां पर अभी देखने को मिली, इनके द्वारा अपनी पोस्ट छोड़ दी गई रावत साहब के द्वारा, ठीक है। पर लेकिन इनके द्वारा कुछ बातें यहां पर बोली गई है, बातें क्या बोली गई कि इनके द्वारा बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया यहां पर ये, ठीक है, इस तरीके से मुझे यहां पर रिजाइन करना पड़ रहा है, बाई पोल यहां पर कंडक्ट नहीं कराए गए कोविड 19 के चलते, तो इसलिए मुझको यहां से रिजाइन करना पड़ रहा है। पर लेकिन रियलिटी में यहां पर यही है डिसीजन या फिर कुछ और मुद्दा इसके पीछे कुछ और खिचड़ी चल रही है वो है, तो ये यहां पर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो कि 1951 का है वो क्या क्या बातें बोलते हैं कि छह महीने तक आप लोग एक पोस्ट पर रह सकते हैं, अगर वैकेंसी है तो आप लोग इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए इलेक्शन कराने एक पोस्ट पर वो खाली हो गई, एक पर्टिकुलर पर्सन था उसकी डेथ हो गई है, पर लेकिन फाइनल जो इलेक्शन होता है 5 साल बाद उसमें 1 साल बचा हुआ है, ठीक है, तो 1 साल से कम बचा हुआ है तो क्या इलेक्शन करा सकते हैं? तो अगर 1 साल से कम बचा हुआ है तो नॉर्मली इलेक्शन नहीं कराते हैं, पर लेकिन ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि कराए नहीं गए आज तक, ऐसा भी हुआ है कि बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए गए कि 1 साल से कम भी अगर टाइम पीरियड बचा हुआ है तो भी इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। तो ये सारा बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन अगर सेंटर दोनों मिलकर अगर सहमत होते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते, कोई डिफिकल्टी है, तो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। तो यहां पर ये वाला जो पोस्ट है इसमें ये माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन तो चुप्पी साधे हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट टाइम पर किस तरीके से रोल प्ले कर रही है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहां पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा जो चल रहा है ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कि वेस्ट बंगाल को लेकर यहां पर ये मुद्दा सामने निकल कर आ रहा हो। वेस्ट बंगाल को लेकर कैसे उसको समझेंगे अभी यहां पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाई पोल के बारे में जो शांति बना के रखी हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करनी चाहिए नॉर्मली। अभी अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बाई पोल कंडक्ट कराए जाने तो असेंबली के अंदर देखें तो लेस देन 1 ईयर जो यहां पर टाइम बचा हुआ है तो उसके लिए इनको कंडक्ट कराना है नहीं कराना है, तो इनको डिसीजन लेना है। अगर नॉर्मली मैं आप लोगों से बात करूं, एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए, ठीक है, यहां पर बात करें तो ये बिल्कुल भी यहां पर अभी क्लियर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या डिसीजन ले रहा है, क्यों डिसीजन नहीं ले रहे वो, ठीक है, यहां पर उनका रीजन कोविड 19 है या फिर कोई और रीजन उनके दिमाग में चल रहा है, तो इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये कोई और जो बोला गया है यहां पर, ये कोई और रीजन, तो ये पूरा सीधा सीधा ये नजर जा रही है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के ऊपर। वो यहां पर हार गई पर फिर भी चीफ मिनिस्टर बन गई, तो उनके पास में 6 महीने हैं, 6 महीने में से उनके पास में अभी 2 महीने बचे हुए हैं। अगर ये यहां पर 7 जो सीट खाली पड़ी हुई है बाई पोल की वजह से जो होनी है भरी जानी है, अगर उन 7 सीटों पर इलेक्शन नहीं होते हैं और ये यहां से जीत कर नहीं आती है, तो इनको अपनी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है ममता बनर्जी जी को छोड़नी पड़ेगी। तो ये यहां पर राइटर उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कल को चलकर कोई आरोप लगाने लगे कि हाँ आप लोगों ने तो हमने तो अपने यहां पर भी इलेक्शन नहीं करा, उन्होंने भी अपनी पोस्ट छोड़ी थी, तो इनकी भी पोस्ट इनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी आसपास में लग नहीं रहा कि जल्दी से इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, जबकि एक फाइनल अथॉरिटी जो है वो इन्हीं के हाथ में दे रखी है, पर फिर भी यहां पर इनका कोई जवाब नहीं निकलकर आ रहा है। तो पॉलिटिकल जो डिसीजन है यहां पर, ये हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम पर जो बीजेपी है उसके बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से उसको लेकर चल रही है कि अपना खुद का चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 टर्म में यहां पर अभी देखने को मिला। अगर बात करें पिछले यहां पर दो टर्म में, जैसे कि बात करें यहां पर 2 टर्म जो हुई है उसमें 7 नए चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, तो बिल्कुल अलग ही लेवल का गेम उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहां पर देखिए डेमोक्रेटिक फेयरनेस की तो बात करें तो वही होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि पेंडिंग बाई पोल जिस तरीके से कराए जाने हैं वो कब इसको कराएंगे, क्या इसके लिए उनके माइंड में कोई प्लान चल रहा है उसको लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में इनको बातें सामने रखनी चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट जो मुद्दा यहां पर ये
कि पेंडेमिक के चलते चैलेंज तो है, देखिए ये आसान बात तो नहीं है, ठीक है, पर फिर भी एक एक क्लैरिटी तो लेनी चाहिए। चुप्पी साधे रखेंगे तो ऐसे ऐसे फिर इल्जाम इनके ऊपर लगने स्टार्ट हो जाएंगे कि पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं बोल रहे हैं, इस तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है बॉडी, और संवैधानिक पोस्ट पर ऐसे इल्जाम लगना सही नहीं है। तो इसलिए यहां पर इनको इस पोस्ट की गरिमा रखते हुए जो भी बातें हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में वो सामने निकाल कर लानी चाहिए। साइलेंस नहीं रखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए अपने साइलेंस को तोड़कर, क्योंकि इसके चलते एक पर्टिकुलर सिस्टम हमारी कंट्री में स्टैब्लिश होता है आप लोगों को नजर आएगा। अब यहां पर ये जो पूरा प्रोसीजर बोला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेंगे पार्ट 15 में इनके बारे में मेंशन है, ठीक है, हमारी कंट्री में इसको एस्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में और आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो आर्टिकल 324 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, क्योंकि सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल जो होता है इलेक्शन को कैसे कराना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहीं से पावर देता है। किसी को भी रिलीजन या कास्ट रेस सेक्स के बेस पर आप लोगों को यहां पर कोई भी किसी तरीके का डिफरेंस नहीं करना चाहिए, तो यहां पर उसको इनएलिजिबल नहीं करना चाहिए, तो ये आर्टिकल 325 बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोल हाउस के बारे में अगर बात करें आप लोगों को देखने को मिले इलेक्शन जो होते हैं यहां पर, अगर हाउस ऑफ द पीपल के बारे में बात करें या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करें स्टेट के अंदर में, क्योंकि एडल्ट सफरेज पर होना चाहिए, यानी कि लोकसभा और यहां पर चाहे बात कर लीजिए आप लोग कोई भी इलेक्शन जो है यहां पर वो एडल्ट सफरेज यानी कि 18 या फिर उससे साल ऊपर के लोग यहां पर वोट डाल सकते हैं, कोई भी डिफरेंस उनमें नहीं होना चाहिए। पावर जो है पार्लियामेंट के बारे में अगर आप लोग बात करें तो इलेक्शन कब कंडक्ट कराना है उसको आप लोग देखिए, पार्लियामेंट के हाथ में पावर रहती है आर्टिकल 327 में बोला गया कि किस तरीके से जो इलेक्शन कंडक्ट कराने उससे रिलेटेड जो भी जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेचर है यहां पर, और पावर ऑफ द स्टेट से रिलेटेड अगर बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड यहां पर अगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए करना है तो यहां पर इनके हाथ में पावर रहेगी। कोर्ट जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है काफी ज्यादा, जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है, पर लेकिन अभी ममता बनर्जी जो है वो कोर्ट में पहुंच गए क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं यहां पर अभी इलेक्शन हुए को, अब ये कोर्ट में जा सकती है क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इनकी सीट के साथ में घपलेबाजी हुई है, तो ये वहां पर जाकर अब कोर्ट में मैटर को रख सकती है। तो अभी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा क्या क्या मुद्दा है। ये सारा मुद्दा जो घूमता है ये आर्टिकल 164 के आसपास में घूमता है। आर्टिकल 164 बोलता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कि आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, 6 महीने के लिए आप लोग एक मिनिस्टर बन सकते हैं, पर लेकिन जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो उस टाइम पर एक डिसीजन निकल कर आया कि 6 महीने तक आप लोग बनकर रह सकते हैं मेंबर ऑफ अगर यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो मिनिस्टर बन सकता है, पर लेकिन जब कोई चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है क्या ऐसे, तो यहां पर कोर्ट के द्वारा बोला गया था जब कोई मिनिस्टर बन सकता है तो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, क्योंकि बात यह है तो वो एमएलए ही ना, तो आर्टिकल जो 164 है वो यहां पर अलाउ करता है कि 6 महीने तक आप लोग चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, पर लेकिन उसके बाद में आप लोग को चुनकर आना पड़ेगा, अगर चुनकर आए तो आप लोगों को पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। यहां पर ममता बनर्जी जी यहां पर 2011 में भी यहां पर जब लोकसभा छोड़कर आई थी तो उस टाइम पर इनके द्वारा यहां पर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ली गई थी, तो वहां पर भी आप लोग चीज देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं, पर आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो याद रखिएगा। आर्टिकल 164 के बारे में हम लोगों ने बात की। नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि लेजिस्लेटिव असेंबली है यहां पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो बाईपोल होने चाहिए थे, पर लेकिन बाईपोल नहीं हो पा रहे तो उसकी वजह से यहां पर यह कंडीशन देखने को मिलेगी, इनको पोस्ट छोड़नी पड़ सकती है। हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप लोगों को याद रखने हैं। ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए कि चल क्या रहा है बेसिकली। अभी बोला गया हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट काफी अच्छा हुआ, तो ये एक मिक्स बैग आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि कुछ अच्छी भी बातें हैं कुछ बुरी भी बातें हैं। अच्छी बात यह कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अप्रिशिएट करने लायक चीज है कि हमारी कंट्री का हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, पर लेकिन पढ़ क्या रहा है उससे क्या फायदा हो रहा है क्या चीजें हैं वो देखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब होता है देश में कि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, हम लोग अपना सामान बेच रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कि इंप्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, पर लेकिन एक्सपोर्ट के साथ में इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात है कि कैसा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्या रियलिटी में ऐसे ही एक्सपोर्ट की जरूरत है हम लोग को जो इंप्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे, लोग जो है इंप्लॉयमेंट को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो यहां पर समझेंगे आखिर ऐसा क्या एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो यहां पर बोल रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो 95 बिलियन के करीब हमारा देखने को मिला, ये अभी जो बात की जा रही है एक क्वार्टर में, क्वार्टर कौन सा यहां पर था, ये क्वार्टर था अप्रैल, मई और जून, तो ये वाले क्वार्टर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। क्वार्टर के बारे में जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहां पर ये स्टार्टिंग में मैप भी दिखाया, नॉर्मली कैसे चलता है हमारे देश का, जैसे कि अगर बात करें यहां पर क्वार्टर के बारे में, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा देश जो है वो स्टार्ट कहां से होता है, वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, ठीक है, तो अप्रैल से हमारे देश का जो है यहां पर बेसिकली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर हो गया, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सेप्टेंबर,
दूसरा क्वार्टर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीसरा क्वार्टर हो गया, तो 2020 का एक क्वार्टर आप लोगों को 2021 में पहुंचता हुआ नजर आएगा जनवरी फरवरी मार्च में, यानी कि पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए 31 मार्च तक चलता है हमारे देश का, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर साल चेंज हो गए तो फाइनेंशियल ईयर का भी साल चेंज होगा, फाइनेंशियल ईयर का जो साल चेंज होता है वो 1 अप्रैल से चेंज होता है, ठीक है। अभी 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है अप्रैल मई जून, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें बोला गया कि एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो एक्सपोर्ट जो इनका बढ़ गया है वो इनके द्वारा जो बताया गया है इस पर्टिकुलर जो यहां पर ये क्वार्टर के लिए बताया गया है। तो कहने का मतलब ये कि अभी एक क्वार्टर का ये डिसीजन इनके सामने है, अभी आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने तीन क्वार्टर बचे हुए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 2022 का जनवरी फरवरी और मार्च, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो अभी इनका बोला गया कि 95 बिलियन यहां पर हमारा जो व्यापार हो गया है, पर लेकिन इनका टारगेट क्या है, टारगेट है यहां पर 400 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए, जो कि काफी बड़ी उपलब्धि होगी अगर इसको हम लोग 2022 के जनवरी फरवरी मार्च तक अगर अचीव कर लेते हैं, तो उसके चलते यहां पर एक काफी अच्छा ये टारगेट देखने को मिलेगा। यानी कि अभी यहां पर बात करें तो 5 बिलियन अभी बच गए हैं यहां पर 2000, ये पहला जो क्वार्टर गया, अभी इनको आगे आने वाले क्वार्टर में ये 5 बिलियन भी इंक्लूड कर रहे हैं और बाकी का हर क्वार्टर में 100-100 बिलियन का व्यापार इनको करना है एक्सपोर्ट, तब जाकर चीजें यहां पर इंक्लूड होती नजर आएगी। तो ये वाला फंड है, तो यहां पर बोला गया कि पहले के कंपेयर में अगर जून 2020 के कंपेयर में बात करें तो बोला गया कि एक्सपोर्ट जो लास्ट मंथ का हुआ है 47% यहां पर सर्ज किया गया, ठीक है, जो कि यहां पर 32.5 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिला। बेसिकली चीजें ये बोली जा रही है कि अर्लियर अगर पीरियड के बारे में आप लोग बात करें तो अभी हमारी कंट्री में जो चीजें हैं वो ओपन होनी स्टार्ट हुई है, क्यों, क्योंकि अब तक लॉकडाउन चल रहा था, तो अच्छी बात है कि चीजें ओपन होनी स्टार्ट हुई है, लॉकडाउन चल रहा था, पर बुरी बात यहां पर यह लॉकडाउन चल रहा था हमारी चीज में, हमारे देश में सारी चीजें जो है वो बंद पड़ी हुई थी और फिर भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह कि कोई बनाया बनाया सामान तो हम लोग बेच नहीं रहे, मैक्सिमम हम लोग रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में अगर बात करें तो बेसिकली नॉन राइस इरल देख रहे हैं, आयरन और बेची जा रही है। देखिए यहां पर हम लोग क्या क्या बेच रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स बेच रहे हैं, जो कि लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा ये प्रोडक्ट जो है 62% के करीब यहां पर ये पूरा व्यापार का देखने को मिलता है। सबसे बुरी कंडीशन क्या है यहां पर, हम लोग राइस बेच रहे हैं, चावल राइस बेच रहे हैं, चावल का मतलब क्या है, हमारे देश में आप लोगों को पता है अभी आज की डेट में पानी को लेकर कितनी किल्लत है, अगर हम लोग राइस बेच रहे हैं तो इसका मतलब यह कि हम लोग पानी बेच रहे हैं अपने देश में से, एक तो हम लोग उन फसल के ऊपर बेस भी दे रहे हैं जो कि काफी ज्यादा पानी कंज्यूम करने वाली देश है, जो लोग चावल उगा सकते हैं। देखिए नॉर्मली यूएसए पता है क्या करता है, यूएसए की बात बताऊं आप लोगों, यूएसए के पास में दुनिया भर का खुद का ऑयल रिजर्व है उनके पास में, पर लेकिन वो अपना ऑयल यूज नहीं करते हैं, कई बार क्या करते हैं वो इंपोर्ट करते हैं काफी लार्ज स्केल पर, क्यों, क्योंकि अपना रखा हुआ उसको यूज कर लेंगे पहले दूसरों को खत्म कर देते हैं, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग चावल उगा रहे हैं अपने देश में और हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, चावल को एक्सपोर्ट करना जो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो पानी को एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक आर्टिकल भी था मैंने उसके बारे में मैंने डिस्कशन भी सुना, राज्यसभा टीवी पर जो डिस्कशन आता है ना कभी कभी उनको सुना करो आप लोग, जो बिग पिक्चर वगैरह वो आते हैं, कई सारे शख्सों आप लोगों के खुलेंगे इस तरीके जो डिबेट होते हैं, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक्सपोर्ट अच्छी बात है बढ़ रहा है, पर लेकिन एक्सपोर्ट नॉर्मली कैसा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होते हैं उनका होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट बेचे उनका होना चाहिए। चावल का एक्सपोर्ट करना, रॉ मटेरियल आयरन और बेच रहे हैं हम लोग और लोहे का सामान खरीदकर बाहर से लेकर आ रहे हैं, ये कौन सा सही तरीका है, तो ये नहीं होना चाहिए। चावल हम लोग, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, गेहूं बेच दिए और बाहर से हम लोग ब्रेड खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ये वही वाली बात होगी जो अंग्रेजों के टाइम में थी, रॉ मटेरियल निकाल के ले जाते थे हमारे देश से, फिर बना बनाया सामान लाकर हमारे देश में बेचते थे, तो वही काम आज की डेट में भी हो रहा है, यानी कि आजादी के हम लोग आजादी के लगभग आप लोग बोलिए तो 70-75 साल होने वाले हैं पूरे, पर अभी अंग्रेजों वाला ही पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो वाले पैटर्न से निकलना चाहिए, इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया गया था, जो काफी अच्छा लगा था पर्सनली, पर लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया जिस तरीके से उसके बारे में बातें की गई थी। इंजीनियरिंग गुड बेचा जाए तो ये समझ में आता है, इंजीनियरिंग गुड अच्छा है, जैसे ये मैंने आप लोगों को सामान दिखाए ये वाला बेचा जाए अच्छा, ये अप्रिशिएट करने वाला है, तो बिंक जम इनमें भी देखने को मिला, तो ये अच्छी चीज देखने को मिली है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में, तो वैक्सीनेशन कवरेज जितना ज्यादा बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ रही है, तो इससे अच्छी चीज हो रही है, इंक्लूडिंग यूएसए और जो ईयू है उसके अंदर भी डिमांड बढ़ रही है चीजों की, तो अच्छी बात है। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं उनके द्वारा टारगेट बोला गया कि 400 बिलियन का रखना है पूरे फिस्कल ईयर में, यानी पूरे एक साल के अंदर में, अभी एक क्वार्टर में 95 हो गया, तो आने वाले टाइम में हम लोग को 305 बिलियन के करीब हम लोग को रिकॉर्ड अभी यहां पर बनाना है, तो ये वाली चीजें इनके द्वारा बोली गई है। पर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है पर लेकिन हम लोग जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल हम लोग बेच रहे हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग गुड बेच रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड बेचते तो हम लोग लोहे का बना हुआ सामान बेचते, हम लोग अपनी कंट्री मान ली हम लोगों ने कोई मशीन बना दी उसको बेच रहे हैं, तो वो वाला एक्सपोर्ट होता है, वो वाला जॉब क्रिएट करता, ये एक तरीके से जॉबलेस एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। तो ये बोला गया कि रेडीमेड गारमेंट हो गए, लेदर हो गया, ये टी प्रोडक्ट हो गए, जो कि सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराने वाले सेक्टर है, वो सारे के सारे यहां पर
पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सारे के सारे नीचे जा रहे हैं, जो कि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं सबसे ज्यादा, जो जहां से जॉब निकल कर आती है वो वाला सेक्टर काम ही नहीं कर रहा है। तो ये काम ही नहीं कर रहा है तो जॉब एक्सपोर्ट करते रहो, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी पर, तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म डाउनग्रेड आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहां पर, इनएडुकेट प्रोडक्ट वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में, अगर टी के बारे में बात करें, ठीक है। मार्केटिंग में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन काफी ज्यादा है यहाँ पर श्रीलंका और कीनिया से हमारी कंट्री की टी मार्केट के लिए। तो आगे आने वाले टाइम में टी जो स्टेट वर्कर है उनको भी काफी बुरी कंडीशन झेलनी पड़ सकती है। लेदर गुड्स के बारे में बात करें तो पॉलिसी उस लेवल की नहीं है जिस तरीके से हम लोग इनको ढंग से एक्सपोर्ट कर सकें। तो हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वो अच्छी बात है, पर लेकिन जो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए वो वाला नहीं बढ़ रहा है, जिससे कि जॉब क्रिएट हो वो वाला नहीं बढ़ रहा है, वो वाली बुरी बात है, ठीक है। तो इसी के चलते इंप्लॉयमेंट कहां से प्रोवाइड हम लोग कर पाएंगे, और इसी के बाद में बोल जा रही है कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं। हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल लाया जा रहा है, अच्छी बात है, हम लोग कम से कम प्रोडक्ट बनाएंगे, पर लेकिन उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, तो ये कौन सा सही तरीका है? तो वो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सोचने वाली बात है बिल्कुल, तो वो हाल ही चीजें सुधरनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि एक प्रेजेंट टाइम पर थोड़ी सी खुशी मिल गई और कूदे फिर रहे हैं, वो वाली चीजों से बेटर है कि प्लान बनाए खुशी के टाइम पर, एक अच्छे वाला और प्लान बनाए कि आगे इस खुशी को और कैसे बढ़ाना है। तो लॉन्ग टर्म पे चीजों को लेकर चले, कैसे रिस्टोर करना है अपनी जो हेल्थ सेक्टर को, कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करनी है, उनके ऊपर फोकस देकर आगे बढ़ना चाहिए, तब चीजें जो है आप लोग बोलेगा कि हाँ चीजें जो है वो इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। वरना जिस पैटर्न में चीजें चल रही है उस पैटर्न में आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? क्या ये वाला एंगल आप लोगों ने कहीं सुना न्यूज में, जो एंगल यहां पे बताया गया है कि सब ये चिल्ला रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्या रियलिटी में ये किसी ने बताया कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो उसके पीछे कुछ कमियां भी हैं, उसको भी बताना चाहिए। तो ये वाली चीजें देखिए, ये होती है फेयर पॉलिसी कि हाँ दोनों चीजें बता के चलिए, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है अच्छी बात है। तो इस आर्टिकल में क्या बताया, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है अच्छी बात है, पर लेकिन एक्सपोर्ट क्या बढ़ रहा है वो भी आप लोग तो देखिए जरा एक बार। तो वो वाली होती है बेसिकली एनालिसिस करने वाली चीजें, ठीक है। तो इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर आप लोगों को आंसर राइटिंग एस्से में आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये वाली चीजें होती है थोड़ी समझने वाली, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। तो ये था पर्टिकुलर पॉइंट, आई होप के माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ गई होगी इसको लेकर। आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया, सलवा जुड़ुम। तो सलवा जुड़ुम क्यों यूज किया गया, ये जजमेंट क्या है, इसको 10 साल पूरे हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। पहले तो ये समझिए कि ये कहां पर है और क्यों है। तो छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ में आप लोग देखें यहां पर, ये बेसिकली बस्तर और जो दंतेवाड़ा रीजन है, यहां पर आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर माओइस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो ये माओइस्ट हैं वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहां पर ये बेसिकली अपने अटैक करते हैं। कई बार कई सारे जो ऑफिसर्स भी यहां पर मारे जाते हैं, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं मानते, अगर वो कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं तो उनको रोकते हैं। तो उसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर कुछ बातें तैयार की गई, जिसके चलते यहां पर वो बातें जो की गई इनके द्वारा वो कोर्ट को पसंद नहीं आई और कोर्ट ने उनको रोका, तो उसके चलते चीजें देखने को मिली। पहले समझिए आखिर था क्या यहां पर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर एक जजमेंट दिया गया था 10 साल पहले, 5 जुलाई आज ही की डेट में 2011 में इनके द्वारा जो ये जजमेंट दिया गया है यहां पर, तो बी यहां पर सुदर्शन रेड्डी और इसी के साथ में एसएस नायजर, तो इनके द्वारा यहां पर ये डिलीवर किया गया था हिस्टोरिक जजमेंट। बोला गया था कि सलवा जुड़ुम जो है यहां पर, ये वो सलवा जुड़ुम जो है वो सही है, नहीं है। सलवा जुड़ुम जो मूवमेंट चल रहा है उसको खत्म करो आप लोग यहां पर, ठीक है, वो सही नहीं है, उसको आप लोग हटाइए, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। सलवा जुड़ुम क्या है पहले अब आप लोग ये समझिए, सलवा जुड़ुम था क्या, इसका मतलब था, इसका मतलब था पीस मार्च। सलवा जुड़ुम का मतलब पीस मार्च, कहां पर, ये है गोंडी लैंग्वेज, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में आप लोगों को देखने को मिलती है। पीस मार्च का मतलब क्या है, इनके द्वारा क्या किया गया सलवा जुड़ुम में, तो सलवा जुड़ुम में ये किया गया, जो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस फोर्स है और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा मिलकर जो लोकल एरिया के जो लोग थे उनको बेसिकली ट्रेन किया गया माओइस्ट से लड़ने के लिए। और ये मैक्सिमम कौन से लोग थे, या तो यहां पर लोकल एरिया के लोग थे या फिर वो थे जो ऑलरेडी जो माओइस्ट की एक्टिविटी छोड़कर आ चुके हैं। तो इनको हथियार दिए गए नक्सली रीजन में नक्सल से लड़ने के लिए, ठीक है। तो जो लीडर थे इनके, इनका नाम याद रखिएगा महेंद्र कर्मा इनके लीडर थे, और ये 2005 से लेकर 2011 तक ऑफिशियली चला, उसके बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिकली साइड में कर दिया। तो बस्तर और दंतेवाड़ा जो रीजन है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, तो एंटी नक्सल ये चलाया गया था, स्टेटस है कि आज के डेट में भी एक्टिव है, लगभग 4000 के करीब इसमें आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस और यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर मिलकर काम किया गया, और ये नक्सलाइड ऑपरेशन था, उनको रोकने के लिए काम किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया, छत्तीसगढ़ और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उनको बोला गया कि मौज से जो फाइट करने के लिए आप लोग जो लोग तैयार कर रहे हैं
ये लोग जो है इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है, ये लोग जो है इनके हाथ में इतने हथियार खतरनाक आप लोग दे दे रहे हैं, कल को चलकर अगर ये वापस अपोजिट हो गए तो क्या कर लोगे। तो बेसिकली इसमें कुछ तो सरेंडर माओइस्ट हैं, तो वो ऑलरेडी माओइस्ट जो है वहां से उनसे छोड़कर आए तो देखने को मिल सकते हैं, और दूसरे अनट्रेंड विलेजर्स हैं जिनको प्रॉपर ट्रेन भी नहीं चला जा रहा है, और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में आप लोग लेकर चल रहे हैं और उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा आप लोगों ने दे दिया। तो ये कोर्ट ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सही नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस फोर्स, अपनी पुलिस फोर्स को यूज करना चाहिए आप लोगों को, इनके हाथ में हथियार देके किस तरीके से आप लोग चीजों को कंट्रोल करोगे, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसके चलते ह्यूमन राइट का भी वायलेशन काफी ज्यादा देखने को मिला था, जो रिहेबिलेशन था ऑफ विलेजर्स का, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा सफर किया यहाँ पर, ये कई सारे जो यहाँ पर एक तरीके से नहीं बोले कि इनके ऊपर छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो ऐसे ही इन्होंने ये ऑफिसर तैयार किए जिनको बोला गया स्पेशल पुलिस ऑफिसर, अब इनके ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, अब ये क्या कर रहे हैं, ये दादागिरी चला रहे हैं, किस तरीके से लोगों को मार रहे हैं पीट रहे हैं, उसके बारे में कौन देखेगा, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पर आप लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर को हटाओ, तो इसको हटाया नहीं गया, इसका नाम चेंज करके डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड इनका नाम रख दिया, ठीक है, तो इनको अभी भी यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह कि जिस तरीके से जो कोर्ट का डिसीजन था वो नहीं माना गया, उसको साइड में कर दिया गया, तो इसमें कैप्चर और सरेंडर जो मॉस्ट है उनको यूज किया जा रहा है, ऑटोमेटिक वेपन उनको दिए जा रहे हैं, तो कल के चलकर यहां पर किस तरीके से उसको बेसिकली किस तरीके से यहां पर दिक्कत हो सकती है, तो चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर बात करें 2005 से लेकर 2007 तक का, काफी ज्यादा पीक पर रहा यहां पर पर्टिकुलर जो फंडा था यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली जो विलेजर्स थे, ठीक है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल कैंप में यहाँ पर उनको लाया गया, सारा काम प्ले किया गया यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की जो रिजर्व गार्ड है उसके द्वारा, ठीक है, इनको बेसिकली पनिश भी किया जाता था अगर कोई इनके हिसाब से नहीं चलता था, हंड्रेड्स ऑफ लोग जो थे उनकी जान चली गई यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में बहुत सारे लोग जो है उनको मारा गया, और इवन उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया एज एनकाउंटर भी, यानी कि लोग मारे गए, इवन एनकाउंटर की भी कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया गया, क्योंकि एनकाउंटर होता है तो जवाब देना पड़ता है, तो उसमें भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बेचारे अपनी जान बचाए, कुछ जंगलों में भागे, कुछ आसपास वाले राज्यों में, कुछ आसपास वाले गांव में भागे अपनी जान बचाकर, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि एक सिस्टमैटिक वे में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पर नहीं किया गया, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर उसका क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला कि क्या इसी चीज के लिए आप लोगों को तैयार किया जा रहा है, तो वो वाली बात जो है बार बार यहां पर सामने निकलकर आती रही। अगर बात करें इस रीजन में पर्टिकुलर, नॉर्मली जहां पर स्कूल होने चाहिए थे, हेल्थ सेंटर होने चाहिए थे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां पर, तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिली। सीआरपीएफ के जवान के कैंप वहां पर आप लोगों को नजर आएंगे मैक्सिमम, ठीक है, तो इसके चलते जो विलेजर्स हैं उनको जस्टिस नहीं मिला, वो फेल हो गया जस्टिस, और इसी के साथ में जो इनका लीडर था महेंद्र कर्मा, तो ये भी यहां पर एक वायलेंस में मारा गया, एक तरीके से दोनों के द्वारा इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया, बीजेपी के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी, 2013 में इसकी डेथ हुई। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि हमारी कंट्री में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इसका सॉल्यूशन यही देखा गया जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, और आज की डेट में भी वही पैटर्न यहां पर फॉलो किया जा रहा है। तो 10 साल हो गए आज की डेट में भी जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, अगर इसी तरीके से चलते रहे जिस तरीके से अभी चल रहे हैं 10 साल और लग जाएंगे और यहां पर शांति नहीं आएगी अगर यही पैटर्न आप लोग फॉलो करके चलते रहे। तो राइटर बोल रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक वे में आप लोगों को चीजें लेकर चलनी चाहिए, जिस तरीके से आप लोग यहां पर उन्हीं के लोगों को यूज कर वही काम यहां पर कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आप लोगों को। आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, बात कर रहे हैं हम लोग बस बेसिकली चांद पर जाकर, मार्स पर जाकर, अलग अलग ग्रह पर हम लोग जा रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो रियलिटी में चेंज दिखना चाहिए ग्राउंड लेवल पर, तो वो एक साथ में लेकर आप लोगों को चलना पड़ेगा, वो सही है अपनी जगह वो प्रोजेक्ट चलना चाहिए, पर ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बताई गई है। ये जो आर्टिकल है नेक्स्ट वाला, यहाँ पर बेसिकली ये बात कर रहा है कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में, हम लोग डेवलपमेंट पर फोकस देकर इन्वायरमेंट को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में क्या होता है, बेसिकली काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, इंडेंजर्ड स्पीसीज की खस्ता हालत हो जाती है, वाटर और एयर पोल्यूशन आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये कोशिश की जाती है। अभी क्या किया जा रहा है, केरला के अंदर में यहाँ पर बेसिकली ये किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो वेटलैंड की कैटेगरी में आता है उसमें वहां पर मिनी इस तरीके की ट्रेन चलाने की बात करें, छोटी छोटी ट्रेन, तो उसी को लेकर राइटर जो है खुश नहीं है और वो यही बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को डेवलपमेंट करना है तो इन्वायरमेंट को भी आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को आप लोग ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और भी वहां पर जहां पर काफी लार्ज स्केल पर लैंडस्लाइड देखने को मिलती है ऐसे राज्य में जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर आता है, आप लोग डेवलपमेंट पर फोकस दे रहे हैं, एनवायरनमेंट को नहीं देख रहे हैं, तो एनवायरनमेंट भी आप लोगों का डेवलपमेंट का पार्ट होना चाहिए, यह बात यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और बात की जा रही है केरला की, जो कि वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्य को टच करता है, मेहे भी है यहां पर पुदुचेरी के साथ में, याद रखिएगा एक डिस्ट्रिक्ट, और तिरुवनंतपुरम आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, इसकी जो बेसिकली कैपिटल है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर है। इसी के साथ में यहां पर एक और छोटा सा आर्टिकल है बेसिकली, अलग बात की जाए इसके बारे में, हमारी कंट्री में क्या किया जा रहा है,
हमारी कंट्री में अभी क्या किया गया, जैसे कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी है तीनों, ठीक है, तो उनमें से उनको बेसिकली अभी क्या थी, वो डायरेक्ट हमारी कंट्री में जो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर है उसके साथ में डायरेक्ट यहाँ पर डील करते थे, एक डिफेंस सेक्रेटरी होते थे। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर ये सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे थे, पर हम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट क्या हो गए, यहाँ पर एक साइड में होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, जो कि यहाँ पर बन गया अभी बिपिन रावत साहब, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए। तो ये फ्यूचर नहीं है, अब ये प्रेजेंट बन चुका है, ये पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये बोला गया था कि आगे आने वाले टाइम में जो तीनों फोर्सेज हैं वो तीनों फोर्सेज कैसे डील करेंगे वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, तीनों फोर्सेज को कैसे लेकर चलना है वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। नॉर्मली पैटर्न ये देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में जो तीनों फोर्स हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको कंबाइन कर एक फोर्स के अंदर लाया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से एक कमांड के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, वो सही है। पर लेकिन जो भी कमियां हैं, जो खामी है, कई जगह बात करें, जैसे कि आप लोग बात करें 1962 की जो वॉर थी, ठीक है, वहां पर आर्मी के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, पर हम लोगों को ये नहीं है कि आर्मी को लेकर चलना है तो एयरफोर्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, हम लोगों को ऐसा पैटर्न बनाना पड़ेगा कि किसी की भी जरूरत पड़ जाए वहां पर। हम लोग ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरीके से ट्रेन करेंगे, सबका अलग अलग तरीका होता है। पानी में वॉर हो रही है तो पानी वालों को ट्रेन करना पड़ेगा, अगर पहाड़ में वॉर हो रही है वहां पर पहाड़ी वाले एरिया में तो माउंटेन वाले रीजन में उसके तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, ग्राउंड वाले रीजन में वो हो रही है तो उसको तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। आप लोग एक जूता सबके पैर में फिट नहीं कर सकते, अभी बोला गया कि सबकी ट्रेनिंग जो है वो एक तरीके से होगी, तो इस तरीके की भी कई सारी बातें देखने को मिल रही हैं। तो वो सही तरीका यहां पर नहीं होगा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को सबको आप लोग एक ही जूता पहना दो, तो वो तरीका सही नहीं होगा। आप लोग सिनर्जी लेकर आ रहे हैं, पर लेकिन वो सिनर्जिक जो प्लान है उसके अंदर बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसको आप लोग इस तरीके से लेकर नहीं चल सकते, ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। और अभी तो एक नए मुद्दे अभी आप लोगों को देख रहे हैं, चैलेंज नए आ रहे हैं, अभी आप लोग फोर्स की जरूरत ही नहीं है, साइबर वॉरफेयर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ड्रोन का वॉरफेयर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वो वाली चीजें भी इंक्लूड करके चलिए कि उसको कैसे टैकल करना है। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप लोगों को चीजें करनी पड़ेगी, ना कि इस तरीके से जैसे आप लोग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली बातें इस आर्टिकल के अंदर बोली गई है। ओके, एक क्वेश्चन था आप लोगों का, इस पार्ली आइलैंड के बारे में बात की गई थी, तो यहां पर आंसर क्या है इसका, आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली साउथ चाइना सी। तो एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, यह है पार्ली आइलैंड, यहां पर ये साउथ चाइना सी के अंदर, ठीक है, तो यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं साउथ चाइना सी, ये वाला रीजन अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कर जरूर देखा कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, जो रिविजन आप लोगों का वीडियो आया है जून महीने का उसको आप लोग जरूर देखेगा, पूरा महीने का रिविजन आप लोगों का हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, और सारी पीडीएफ जो मई की भी थी 2020 की भी वो भी प्रोवाइड करा दी है, तो जाकर यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसी के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो जरूर आप लोग इंजॉय करते रहा कीजिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो ही आप लोगों को लाइक करना है, ठीक है, वरना डिसलाइक करके बताएगा डिसलाइक क्यों किया है, और इस लेक्चर को 10 में से क्या रेट देंगे आप लोग, तो ये एक मिनट लगती है, रेट जरूर किया कीजिए लेक्चर को, इससे पता चलता रहता है कि किस डायरेक्शन में चीजें चल रही है, ठीक है। तो इसी लेक्चर को यहीं पर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए ब्रो को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर, तब तक के लिए जय हिंद।